नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आप सबके पसंदीदा चैनल नेक एंटरटेनमेंट में। जी हाँ, अगर बात किया है तो आज आप लोग बीच बात करेंगे जो भारतीय फीमेल क्रिकेटर हैं, इनकी कौन सी जाति है, किस जाति से बिलोंग करते हैं, तो आज आप लोग को पूरी डिटेल देने वाले थे। इस वीडियो को पूरा देखें और आज आप लोग के बीच जितने भी भारतीय फीमेल क्रिकेटर्स हैं, जी हाँ वुमेंस क्रिकेटर हैं, क्योंकि मेल क्रिकेटर के बारे में बात की जाए, इंडियन मेल क्रिकेटर के बारे में बात की तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है, और आज वुमेंस क्रिकेटर के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारा कमेंट आया था कि भैया वुमेंस क्रिकेटर के बारे में बताए। तो चलिए वुमेंस क्रिकेटर के बारे में आप लोग को बताते हैं और जानकारी देते हैं। सबसे पहले जिस क्रिकेटर के बारे में बात करेंगे, इनका नाम है प्रिया पुनिया। अगर इनके बारे में बात किया तो बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर हैं, जितनी ज़्यादा ये खूबसूरत हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा खूबसूरत इनका खेल है और बहुत ही अच्छा खेलती हैं। इनका नाम प्रिया पुनिया है और बहुत ही खूबसूरत ये क्रिकेटर हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के हिस्सा हैं। इनकी जाति के बारे में बात किया तो ये जाट हैं, स्पेशली जी हाँ पंजाब से हैं, पंजाबी है, जाट हैं ये, और बहुत ही बेहतरीन बहुत ही ज़बरदस्त इनका खेल है। अब बात करेंगे आप लोग के बीच शेफाली वर्मा के बारे में। जी हाँ, शेफाली वर्मा के बारे में बात किया है तो ये भी इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम के हिस्सा हैं, ये भी बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं। इनकी जाति के बारे में बात किया तो कोरी जाति से ये बिलोंग करती हैं। जी हाँ, इनकी जाति के बारे में बात की जाए तो इनकी जो जाति है वो कोरी जाति से ये बिलोंग करती हैं। बात करेंगे आप लोग के बीच हरलीन देवल के बारे में। जी हाँ, हरलीन देवल के बारे में बात किया तो ये जाट हैं, ये सिख हैं। जी हाँ, ये इनके बारे में बात किया तो ये भी पंजाबी हैं, जाट सिख ये जाति से बिलोंग करती हैं। अब बात करेंगे आप लोग के बीच राजेश्वरी गायकवाड़ के बारे में। जी हाँ, राजेश्वरी गायकवाड़ के बारे में बात किया तो मराठी जाति से बिलोंग करती हैं, ये मराठी हैं। जी हाँ, और राजेश्वरी गायकवाड़ के बारे में बात किया तो इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम के हिस्सा हैं, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छा खेलती हैं। इनकी जाति के बारे में बात किया तो मराठी जाति से बिलोंग करती हैं। बात करेंगे आप लोग के बीच अरुंधति रेड्डी के बारे में। जी हाँ, अरुंधति रेड्डी के बारे में बात किया तो इनकी जो जाति के बारे में बात किया तो कापू जाति से बिलोंग करती है, वैसे ये तेलुगु की हैं। जी हाँ, तेलुगु की हैं, और वहाँ अगर जाति के बारे में बात किया तो अलग जाति होती है। इनकी जाति के बारे में बात किया तो ये कापू जाति से बिलोंग करती हैं। अब बात करेंगे आप लोग के बीच दयालन हेमलता के बारे में। जी हाँ, दयालन हेमलता के बारे में बात किया जाए तो बहुत ही बेहतरीन, ये भी इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम की प्लेयर है, बहुत ही अच्छा खेलती हैं, और इनके बारे में अगर बात किया तो ये तमिलियन हैं। जी हाँ, इनके बारे में अगर बात किया तो ये तमिलियन हैं। बात करेंगे आप लोग बीच मानसी जोशी के बारे में। जी हाँ, मानसी जोशी के बारे में बात किया तो ये ब्राह्मण जाति से बिलोंग करती है, इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम के हिस्सा हैं, और जोशी जो टाइटल होता है बेसिकली ब्राह्मण लोग यूज़ करते हैं, तो इनकी जो जाति वो ब्राह्मण जाति से ये बिलोंग करती हैं। बात करेंगे आप लोग बीच अनुजा पाटिल के बारे में। जी हाँ, इनकी जाति के बारे में बात की जाए तो बहुत सारे, जी हाँ अगर बात किया तो बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण लोग होते हैं जो पाटिल टाइटल यूज़ करते हैं, तो इनके बारे में अगर बात की जाए तो अनुजा पाटिल जो है ये भी ब्राह्मण जाति से बिलोंग करती हैं। अब बात करेंगे आप लोग बीच पूनम राउत के बारे में। जी हाँ, पूनम राउत के बारे में बात किया तो इनकी जो जाति है वो धानुक जाति से बिलोंग करती हैं। जी हाँ, पूनम राउत के बारे में अगर बात किया तो धानुक जाति से बिलोंग करती हैं, और इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम की बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छा ये भी खेलते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त, जी हाँ बहुत ही ज़बरदस्त इनका जो रहता है वो खेल बहुत ही शानदार रहता है। नहीं, आप लोग के बीच तानिया भाटिया के बारे में। इनके बारे में बात किया तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम के, और बहुत अच्छा खेलती हैं। इनकी जाति के बारे में बात किया तो क्षत्रिय जाति से ये बिलोंग करते हैं। जी हाँ, तानिया भाटिया के बारे में अगर बात की जाए तो ये क्षत्रिय जाति से बिलोंग करती हैं। अब बात करें आप लोग बीच जेम्मा रोड्रिगेज़ के बारे में। इनके बारे में अगर बात की है तो ये क्रिश्चियन है, और इनकी जाति के बारे में बात किया तो क्रिश्चियन में एक जाति होती है पादरी, ये पादरी जाति से बिलोंग करती हैं और ये क्रिश्चियन है बेसिकली। वैसे अगर बात की है तो इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम की बहुत ही बेहतरीन हिस्सा है, इनकी जो खेल है, इनका जो खेल है, इनका जो क्लास है वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त है। बात करेंगे आप लोग के बीच दीप्ति शर्मा के बारे में। जी हाँ, दीप्ति शर्मा के बारे में अगर बात की जाए तो शर्मा टाइटल जो होता है ब्राह्मण लोग यूज़ करते हैं, और दीप्ति शर्मा के बारे में बात किया तो ये भी ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं, और बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम के, और बहुत ही अच्छा ये खेलती हैं। बात करेंगे आप लोग भी शिखा पांडे के बारे में। जी हाँ, इनके बारे में बात किया तो बहुत ही बेहतरीन बॉलर है इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम के। इनके बारे में बात किया, इनकी जाति के बारे में बात की जाए, जी हाँ अगर इनकी जाति के बारे में बात की है तो ये भी ब्राह्मण जाति से बिलोंग करती हैं। अब बात करेंगे आप लोग बीच राधा यादव के बारे में। इनके बारे में अगर बात किया राधा यादव के बारे में तो ये यादव जाति से बिलोंग करती हैं, बहुत लोग इन्हें यदुवंशी भी कहते हैं, बहुत लोग इन्हें गोप भी कहते हैं, बहुत लोग इन्हें अहिरान भी कहते हैं। जी हाँ, यादव जाति के बहुत सारे टाइटल हैं। इनकी जाति के बारे में स्पेशली अगर बात की जाए तो ये यादव जाति से बिलोंग करती हैं। करेंगे आप लोग के बीच एकता बिष्ट के बारे में। जी हाँ, एकता बिष्ट के बारे में बात किया तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं, और बहुत ही अच्छा ये खेलती हैं। जी हाँ, इनकी जाति के बारे में बात की जाए, जी हाँ अगर इनके बारे में बात किया, इनकी जाति के बारे में बात की जाए, एकता बिष्ट की जाति के बारे में, तो ये राजपूत जाति से बिलोंग करती हैं। जी हाँ, इनके बारे में बात की जाए, एकता बिष्ट के बारे में बात की जाए तो राजपूत जाति से ये बिलोंग करती हैं। बात करेंगे आप लोग भी झुल्लन गोस्वामी के बारे में। जी हाँ, झुल्लन गोस्वामी के बारे में अगर बात किया, इनकी जाति के बारे में बात किया तो गोस्वामी जो टाइटल होता है वो ब्राह्मण लोग यूज़ करते हैं, और इनकी जाति के बारे में बात किया, झुल्लन गोस्वामी की जाति के बारे में बात किया तो ये भी स्पेशली ब्राह्मण जाति से बिलोंग करती हैं। अब बात करेंगे आप लोग बीच मिताली राज के बारे में। जी हाँ, मिताली राज के बारे में बात किया तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम की, और बहुत ही अच्छा खेलती हैं, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करती हैं। इनके बारे में अगर बात की जाए तो ये तमिलियन हैं। बात करेंगे आप लोग के बीच पूनम यादव के बारे में। जी हाँ, पूनम यादव के बारे में बात की, इनकी जाति के बारे में बात किया तो ये यादव जाति से बिलोंग करती हैं। जी, इनके बारे में अगर बात किया, इनकी जो जाति है वो यादव जाति से ये बिलोंग करती हैं।
करेंगे आप लोग के बीच इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की बहुत ही बेहतरीन प्लेयर, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी, और ये हमेशा बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। अपने खूबसूरती के कारण भी ये हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। इनकी जाति के बारे में बात की जाए, जी हाँ, स्मृति मंदनाम की जाति के बारे में बात किया तो इनकी जो जाति है वो मारवाड़ी जाति से ये बिलोंग करती हैं। साथ में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करती हैं, बहुत ही अच्छा खेलती हैं। इनका जो खेल है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब बात करेंगे आप लोग भी हरमनप्रीत कौर के बारे में। जी, इनके बारे में बात किया तो ये पंजाबी हैं और इनकी जाति के बारे में बात किया तो सिख जाति से हैं, सिख हैं ये। और इनके बारे में बात किया हरमनप्रीत कौर के बारे में तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छा खेलते हैं, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की आन बान शान है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग को इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की सबसे फेवरेट प्लेयर आप लोग की कौन सी है, जरूर कमेंट करके बताएं। मैं फिर मिलूंगा आप लोग से अपने दूसरे वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।